गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो आज लंच में बनने वाले हैं छोले भटूरे और उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मौसी ने छोले बॉईल करके रख दिए हैं, मतलब छोले पूरे तरीके से उबल चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में आगे की तैयारियां करने के लिए। दो टमाटर ले लिए हैं, इसको फाइन चॉप कर लेते हैं। आप चाहो तो टमाटो प्यूरी भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने ना अभी तक टमाटो प्यूरी से ही बनाया, बट अभी मैंने सोचा कि चॉप कर लेते हैं। एक बड़े साइज का प्याज ले लिया है, इसको कट कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं। एंड पहले प्लान था छोले चावल का, बट फिर हो गया रात में छोले भटूरे का, तो मैं भटूरे का जो डो है ना वो लगा के रख दूंगी, उसकी भी तैयारी कर लेते हैं साथ में। बट पहले छोले ऊपर चढ़ा देते हैं। मैंने ना बिल्कुल ही फाइन प्यूरी जैसे ही चॉप कर लिया है, बड़े बड़े पीसेस नहीं रखे हैं। तो जी मैंने रख ली कढ़ाई, इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। और मैंने ना प्याज को काफी ज्यादा बारीक चॉप कर लिया है इस तरीके से। दो हरी मिर्च ऐड करने वाली हूँ एंड टमाटो की ऑलमोस्ट प्योरी बनके तैयार हो चुकी है। तो हम थोड़े से ना खड़े मसाले निकाल लेते हैं इसमें डालने के लिए, क्योंकि जो छोले बॉयल किए हैं उसमें बिल्कुल कोई मसाला नहीं डाला है। तो दो तेज पत्ता निकाल लिया, एक छोटा एक बड़ा। मेरे पास ना ऐसा पूरा डिब्बा है खड़े मसाले का, तो इसमें मैं सब कुछ रखती हूँ। एक ये निकाल लेते हैं, इलायची बड़ी वाली शायद, और इस तरीके से डाल देंगे। सो मैं ना जीरा इसमें से यूज़ करूँगी ताकि खड़े मसाले भी डल जाएंगे। बढ़िया तरीके से तेल हो गया गरम, मसाले गए तेल में एंड देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड कर दी प्याज। अब हमें प्याज को ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है, तो इसे 5 मिनट तक कवर करके कुक होने देंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। सो ये ले ली परात, अभी लेते हैं मैदा। तो थोड़ी सी तो सूजी चाहिए एंड बाकी चाहिए मैदा, जो मुझे दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे ले लेंगे मैदा एंड आपको देखना है खुद से कि आपको कितनी क्वांटिटी बनानी है। मेरे को 4 लोगों के हिसाब से बनाना है, तो मैं ठीक ठाक मैदा ले रही हूँ। तो इसका 1/2 पैकेट मैंने मैदा ले लिया होगा और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी सूजी। ये बिना रोस्ट की हुई सूजी है एंड मैंने मैदा जितनी लिया ना उसके 1/4 सूजी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक, एक बार प्याज को चला देते हैं बीच में। घर का फ्रेश दही, क्योंकि मैं इसमें ना कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, दही ऐड करूँगी, उससे ना खमीर बहुत बढ़िया उठेगा। तो थोड़ा सा दही ले लिया मैंने यहाँ पर। लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा देसी घी, जो ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, देसी घी मस्ट ऐड करना। तो ये हमारा भटूरे के लिए जो डो है उसको बना लेते हैं। आप डो लगाने के लिए मैंने मौसी को दे दिया है वहाँ पे एंड मैं करती हूँ जब तक छोले की तैयारियाँ। 100% प्याज बन गई है, इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटो, क्योंकि अब ना इसे टमाटर के साथ कुक करेंगे, मिक्स कर देते हैं एंड ऐड कर देंगे अपना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो हम टमाटर के बाद डालते हैं, वो है नमक। गया जी इसमें बड़ी सी चम्मच भर के नमक। अब ना टमाटर बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएंगे, मिक्स कर दो, से कवर करके रख देते हैं। मेरा जो डो है मौसी ने वो लगा दिया है, इस तरीके का बढ़िया डो लग गया। क्योंकि इसमें सूजी है तो अभी ये फूलेगी, तो मैंने यहाँ पे ना एक हल्का सा गीला हैंकी लेके इसे कवर कर दिया है ताकि फूल जाए हमारी सूजी अच्छी तरीके से। सो डो लग गया एंड यहाँ पे मसाला बन रहा है और छोले जो हैं वो पूरे तैयार हैं, अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो ये रहे छोले और मैं इसमें ऐड करूँगी ये चना मसाला, जिससे फ्लेवर आपका 100% बढ़िया आएगा। सूखी मसालदानी के मसाले निकाल लेते हैं। और पता हमने यहाँ पे भी आटा वाटा ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि मौसी के ना थोड़े से घुटनों में दर्द रहता है, वरना मैं आटा यहाँ पे रखती हूँ। तो फिर अभी इतने लोग हैं, हर टाइम खाना कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो अभी बस ऐसे ही रखा हुआ है। और मौसी में ना पूरे का केला काम है, लाइक पूरा झाड़ू पोछा, इतने बर्तन होते हैं 4 लोगों के, 10 बार हम लोग खाने के कभी कुछ बना रहे हैं, खाना भी पूरे टाइम का वो बनाती हैं, कपड़े भी वही वॉश कर रही हैं सबके, तो उन पर बहुत 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 ज़्यादा काम है अभी।
ऐसी मम्मी थी तो मम्मी को पूरा काम रहता था, मैं तो क्योंकि बस ऐसे कुछ होता है ना जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं कुछ बना लेती हूँ लाइक छोले भटूरे डोसा इडली सांभर, उस दिन मैं बस ये चीज़ बनाती हूँ, बाकी पूरा सुबह शाम दोपहर रात ये वो सब उनकी जिम्मेदारी है। तो विच मीन्स अ लॉट इस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा। एंड पता है अगर मम्मी या मौसी नहीं आती ना तो मेरा बेड रेस्ट होना इम्पॉसिबल था, और इस टाइम बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला था क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे शायद वो मैंने वीडियो शेयर कर दिया होगा जब तक ये ब्लॉग जाएगा या फिर इसके बाद आपको मिल जाएगा, और बहुत ही जल्दी मेरा लेवल 2 टेस्ट होने वाला है। तो लेट्स सी एंड प्रे फॉर द बेस्ट कि अभी सब ठीक आए, नॉर्मल आए, अच्छा आए। तो मसाले एकदम अच्छे से हो चुके हैं, ये देखो इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं, अभी थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है। एंड यहाँ पे हरी मिर्च काट के रखी है मैंने दो वो, और नमक मैंने ऐड कर ही दिया है। अभी ऐड कर देते हैं चना मसाला अप्रॉक्स 2 चम्मच। यस, पता चने मसाला डालते हैं ना खुशबू एकदम बढ़िया आती है, इसको मैं ऐड करती हूँ इसी वजह से ना। मैं जो छोले चने बॉईल करती हूँ ना इसमें कुछ भी नहीं डालती लाइक चाय पत्ती या कुछ भी, क्योंकि इससे ना कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसको मतलब 20 से 30 सेकंड आप एक बार कुक कर लो ताकि मसाले में ऑयल छोड़ जाएँ अच्छे से। तो बस ये देखो मसाले ऑयल छोड़ गए हैं, ज़्यादा मत करना वरना ये जल जाएंगे, सूखे मसाले बहुत जल्दी जलते हैं। अभी इसमें ऐड कर देंगे हम अपने ये वाले छोले, क्योंकि मुझे ना इसमें अभी छोले फोड़ने हैं ताकि थोड़े से ग्रेवी आपकी मिक्स मैच वाली हो जाए। तो ये देखो छोले, इस पर ना मसाला लटपट हो गया है, मेरा फेवरेट वर्ड। एंड इसको यहाँ पे फोड़ देते हैं थोड़े से छोले को, क्योंकि मुझे ना पूरे खड़े खड़े छोले अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से जो फूटे हुए छोले होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो ऐसा कर दिया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये पूरे छोले बचे हुए जो भी हैं। ये देखो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। कलर अभी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसे 15 मिनट के लिए बॉयल करूँगी मैं, मतलब अभी तो फ्लेम हाई है, एक बार अच्छे से उबाल आ जाएगा ना फिर फ्लेम को लो करके 15 मिनट्स के लिए इसे खदकने दूँगी ताकि थोड़ा गाढ़ापन आ जाए इसमें। छोले को ना 10 से 12 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल स्लो गैस पे बहुत बढ़िया कुक हो रहे हैं, और देखो इसमें गाढ़ापन भी आ गया है, देखो है ना। बट इन्हें भी और कुक होने देते हैं अच्छे से तब तक। और पता है यहाँ पे देखो मौसी ने ड्राई फ्रूट्स काट के रख दिए हैं, ये काजू बादाम अखरोट और किशमिश, क्योंकि मेरे बनेंगे आज लड्डू, लड्डू मेरे ख़त्म हो गए हैं तो मैं वैसे ना ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रही हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है, तो मैं इस तरीके से खाती हूँ आटे के लड्डू में। सो उसकी रेसिपी मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, तब तक हम यहाँ पे खाते हैं लीची। और ये भाई सब कर रहे हैं गेमिंग, गेमिंग तो हंसता भी नहीं है भाई, ये हंसता भी नहीं है। अच्छा आपको एक बात बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, मेहुल और मैं, अगर मेहुल मुझसे शर्त लगा ले ना कि ये बिल्कुल 1 मिनट तक हंस नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, और ये 1 सेकंड में उस शर्त को हार जाता है और मैं 1 मिनट से ऊपर जीत जाती हूँ। हमारा बचपन से ये शर्त हमेशा आती है, और ये हमेशा इसे हंसाना इतना इजी है, इतना इजी है समझ गए आप कितना इजी है। चलो लीची खाते हैं। हाँ हरी मिर्च काट लो। ये हमारे छोले देखो बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, एंड अभी कंसिस्टेंसी इसकी सही है, ना गाढ़े हैं और ना पतले हैं। तेल गरम कर लिया है भटूरे के लिए, आटा लग चुका है, मौसी तोड़ रही है भटूरे की लोई। एंड मीन वाइल मैंने काट दिए थे टमाटर, वरुण ने काट दिया प्याज और हरी मिर्च, तो सैलेड भी तैयार हो गया है।
ये गया जी हमारा पहला भटूरा और इसको फुलाते हैं अब एंड लेट्स सी कैसा बनेगा। एक्साइटेड। हाँ फुल के आ गया। गैस अभी मीडियम कर दो है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि तो ये हमारा पहला भटूरा आ चुका है फूल के, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है एंड एकदम क्रिस्पी सा सेक लेंगे इसे। सो ये लग गई है मेरी बहुत ही यम्मी वाली प्लेट छोले भटूरे की एंड और बहुत ही टेस्टी टेस्टी भटूरे सेक रहे हैं। मैं पहला बाइट खाती हूँ, बताती हूँ कैसा है। छोले भटूरे तो बने थे बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त मजा आ गया खा के। तुझे कैसे लगे मेहुल? बढ़िया, एक नंबर, मस्त, पांच नंबर। बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बने थे, पर उनसे पेट कहाँ भरता है, खाने को तो हमें कुछ और भी चाहिए। दिखाती हूँ क्या तो हमें चाहिए होंगे। ये मैंगोज, और पता है वो वाले मैंगो खत्म हो गए जो लास्ट टाइम आए थे, अभी ये वरुण लेकर आए हैं कल, एंड इसको मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसे हैं। तो दो मैंगो प्लेट एंड लेट्स गो। मास्क है मेरा, दुनिया के खेता में कहाँ है कहाँ है बोल कहाँ है, बोल कहाँ है, भुइया के खेतों में। रिकॉर्ड हो चुका है तुम्हारा ये नाटक, ठीक है। मेरा मास्क कहाँ है, ग्रीन वाला चाहिए रहा, मिल गया मेरा था ये रहा। कौन सा है ये वाला, क्या हुआ? टाइम हो चुका है वॉक कर, वॉक का, हाँ आजकल हम लोग डेली वॉक पे जाते हैं बट लेट नाइट, और लिफ्ट से जाते हैं इसलिए मास्क ऊपर कर लेते हैं। जब वॉक करते हैं तो भीड़ नहीं होती है ज़्यादा, तो मास्क को ना नॉर्मल कर लेती हूँ मैं, मतलब नीचे उतार लेती हूँ। एंड मौसी वैसे जाती हैं डेली स्टेयर से बट आज जा रही हैं लिफ्ट से, क्योंकि अच्छा वरुण स्टेयर से गए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है इस वजह से। हम लोगों ने ना अभी तक डिनर भी नहीं किया है क्योंकि छोले भटूरे बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, तो छोले तो बचे हुए थे एंड मैंने राइस बना दिए थे, तो अगर किसी को भूख लगेगी तो छोले राइस हैं, एंड अगर भूख नहीं लगी तो जो राइस हैं वो कल फ्राई हो जाएंगे और कल फिर हम लोग खाएँगे फ्राइड राइस मॉर्निंग में, सुबह ब्रेकफास्ट में, इसलिए मैंने राइस बना के रख दिए थे। बाकी डिनर करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, कौन, क्योंकि भटूरे खा के ना पानी बहुत पीने का मन कर रहा है, प्यास लग रही है, फिर पेट भर जाता है, क्या कह रहा है, क्या बताएं। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने टी शर्ट कहाँ से लिया है, जो मैंने एक सेल्फ पैम्परिंग वाली वीडियो शेयर की थी, तो ये जो टी शर्ट है ये मैंने ऑफलाइन परचेज की है और ये वरुण के लिए मैंने परचेज की थी, मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था। बहुत सारे कपड़े जब मैं वरुण के लेके आई थी, पूरा एक हॉल था वो, तो ये शायद पेंटलूंस की हैं, हाँ शायद वहीं की है, तो इसका कोई लिंक नहीं है, वरना मैं आपको डेफिनेटली दे देती, बट ये काफ़ी सही रहती हैं, इन बजट भी हैं और अच्छी भी हैं, टेक्सचर कपड़ा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हवा लग रही है तो चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं, एंड हवा लग रही है अभी, अच्छा लग रहा है अब। पहले हम लोग जा रहे हैं लेकिन सतमूला लेने के लिए, पता है क्या हो रहा है, पिछले चार दिन से हम लगातार सतमूला लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना सोसाइटी में जहाँ हम वॉक करते हैं एक बाबा हैं, उन्होंने नीचे अपने घर में एक शॉप खोल रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो वहाँ पे सतमूला लेने के लिए पिछले चार दिन से जा रहे हैं। एक दिन तो उन्होंने अभी पेटीएम लेना बंद कर दिया इसलिए वापस आना पड़ा, नहीं सबसे फर्स्ट डे हम लोग लेट थे, 10 बजे के बाद वो दुकान नहीं खोलते, सेकेंड डे हम लोग गए तो उन्होंने पेटीएम लेना बंद कर दिया कि मैं पेटीएम नहीं लेता, फिर हमें वापस आना पड़ा। थर्ड डे हम लोग गए तो कल भी हम लोग फिर दुकान मतलब बंद थी, 10 बजे से पहले ही गए थे बट बंद थी, तो आज हम 9:30 बजे जा रहे हैं और दुकान बंद जैसी ही लग रही है मुझे तो। फिर से यहाँ पे आके बैठना ना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरी ग्रीनरी रहती है और ठंडी ठंडी हवा रहती है, बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत ही शांति मिलती है,
और मैं वैसे सोचती हूँ सुबह आया करूँ, बट सुबह ना थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है तो हम लोग लेट नाइट आने का ज़्यादा प्लान रखते हैं। आज तो फिर भी जल्दी आ गए हैं, लेट नाइट आते हैं ना तो हवा भी ज़्यादा तेज़ होती है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। मैं आके थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर अपनी सीट ले लेती हूँ, एक बैठ जाती हूँ उस पर, और ये तीनों जने पता नहीं कहाँ हैं, वॉक कर रहे हैं, मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। सो बस यही रहता है। एंड आप लोग बताओ क्या कर रहे हो आजकल, कैसे जा रहे हैं आपके दिन? पता है मेरे ना व्लॉग्स बहुत सारे बने रखे हैं, शायद 4 व्लॉग बने रखे हैं, बट एडिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे ना एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और अगर मैं कुछ कर लेती हूँ ना तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एक दो मुझे वीडियोज़ प्रमोशनल वीडियोज़ भी बनानी थी, तो वो भी मेरी बहुत डिले चल रही हैं, सब कुछ डिले चल रहा है इस टाइम। बस ये है, कभी कभी ठीक रहती हूँ तो व्लॉग्स बना लेती हूँ। मेरे को बहुत सी आ गया, दूर से देख के हंस रहे हैं, इसने यहाँ भी कैमरा स्टार्ट कर दिया। यस, गर्मी कैसी पड़ रही है पता, काफ़ी जगह बारिश हो रही है, बट यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है, पर मौसम ये है कि शाम के टाइम से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जितना लेट होता जाता है उतना अच्छा होता जाता है वेदर। हाँ, टहल ले दोनों, मैं तो यहीं बैठी थी। सो ये भी आके बैठ चुकी है, ये कुछ भी, ये हाय मौसी, छोले भटूरे कैसे थे? और छोले चावल बने रखे हैं, वो हम पता नहीं कब खाएंगे अब। तो मैं तो चली घर पे और उनके साथ, वो लोग अभी और टहल रहे हैं, मतलब वो लोग बैठे तो हुए ही थे, बट थोड़ी सी हवा चल रही है तो उनको लगा कि नहीं हम तो अभी थोड़ा सा और यहाँ पे बैठेंगे। मुझे लग रहा है कि अब मुझे घर जाना है और मुझे अच्छे से नहाना है जाके, एंड इस वाले ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर ख़त्म। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये छोले भटूरे का स्पेशल ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना भी नहीं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल। ओ भाई, इसका नया वीडियो आ गया, ठीक है, बाय। माना कि वीडियोस लेट आ रहे हैं बट फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, बाय।